ये मोदी नूं असीं दसना चाहुंदे आ वी बहुत जालम हुकूमतां आईआं सिखां दे सिरां दे मुल पाए गए जकरिया आया मीर मन्नू आया अबदाली आया और रहे नहीं। आनंदपुर के मते च भी ये मंगा ने भी किसान अपनियां फसलां दा मुल आप तय करूगा। इंडिया के दुनिया के अमीर भावें रहन ना रहन कोई फर्क नहीं पैना, देश चल जू, पर जे अन्नदाता ना रहा देश नहीं चल सकता। सो मोदी जे इंदिरा गांधी वाला अड़ियल रवैया नहीं छड्डूगा तो मोदी भी इंदिरा गांधी वाले राह जाऊ। सो किसान आगू सारी संगत की राय नाल फैसला करन, कोई आप खुदरा फैसला ना कर लैन कि जिहड़ा फिर बाद च भुगतना पवे, बाद च पछताउणा पवे। कई गर्म बोल के गर्म नारे ला के आप तो गड्डी च बह के चले जाते हैं, बाद में भुगतना इन्ना गरीबों नूं पैंदा, फायदा की? फोकियां फड़ा नहीं मारनियां चाहीदियां, जिन्नी को बंदे की औकात है ओदे अकॉर्डिंगली गल करो। सो जिथे कलाकारां दा वड्डा समर्थन मिल रहा, समाज सेविकां दा वड्डा समर्थन मिल रहा, सियासतदानां दा भी समर्थन मिल रहा, तो उत्थे ही धार्मिक आगुआं दी गल करिए, उन्हां दा भी वड्डा समर्थन मिल रहा। साडे नाल बाबा जी सुरजीत सिंह जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आं। बाबा जी सब तो पहलां तुहाडा स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी देखा गया हुण संघर्ष 2 महीने तो वध हो चुके ने, हर एक भावें कोई धार्मिक आगू होवे, भावें कोई समाज सेवी होवे, भावें कलाकार, भावें बच्चे, भावें बुजुर्ग, लगातार सारे दे मनां दे विच यही गल है कि आखिर संघर्ष कदों मुकूगा, आखिर दिल्ली दा जो किला कदों फतेह होवेगा। वाहिगुरु कृपा करे बहुत छेती फतेह होवेगा। 237 साल बाद पंजाब ने चढ़ाई करी है दिल्ली ते। 1783 च बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली जीती, 4 साल इत्थे रहे, सारे गुरद्वारियां दी सेवा कराई, हुण दोबारा 237 साल बाद एडी चढ़ाई करी है। साडा संबंध दमदमी टकसाल नाल है, जिहनूं भिंडरांवाली टकसाल कहिंदे है। भिंडरांवालियां दी कुरबानी तुसीं भली भांत जाणदे हो। बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालियां ने 40 साल पहलां कहा सी कि 3 लख दा इकट्ठ करो, दिल्ली घेरो। आनंदपुर के मते च भी ये मंगा ने भी किसान अपनियां फसलां दा मुल आप तय करूगा। उदों गदार लीडरां ने वचन नहीं मन्निया, पर महापुरखां दा वचन अज पूरा हो रहा है। उन्होंने 3 लख दा इकट्ठ कहा सी, अज 3 लख तो भी वध इकट्ठ होया। ये बाबा जरनैल सिंह दा वचन पूरा होया। अज ये मोदी नूं असीं दसना चाहुंदे आ वी बहुत जालम हुकूमतां आईआं, सिखां दे सिरां दे मुल पाए गए, जकरिया आया, मीर मन्नू आया, अबदाली आया और रहे नहीं। तू तां बहुत इक छोटा जिहा है, ऐडी ऐडियां हुकूमतां नहीं रहियां, टाइम नहीं रहना। ये हुकूमत ने भी इसे तरह चले जाना है। राजा परजा की वाड़ हुंदा है, जे वाड़ खेत नूं खाण लग जाए जिमीदार की फसल का की बनेगा। सो परजा का राखा हुंदा राजा, राजे का अर्थ हुंदा इंसाफ करना। पर यह अजकल हिटलर वाली नीति ते चल पिया है, दो अमीरां नूं पूरा इंडिया बेच रहा है, दो अमीरां नूं अवानी अडानिया नूं। सो इंडिया दे दुनिया दे अमीर भावें रहन ना रहन कोई फर्क नहीं पैना, देश चल जू, पर जे अन्नदाता ना रहा देश नहीं चल सकता। सो साडी एक बेनती है नौजवानों नूं, ये जन अंदोलन है। जन अंदोलन मीनस सारे इंडिया का अंदोलन है, सारा इंडिया मोदी तो दुखी है। भी जोश नाल होश जरूर रखियो, क्योंकि कई गर्म स्टेटमेंटा देने वाले आ जाते हैं, इत्थे बोली जाते हैं, अपने फेसबुक पेज पर बोली जाते हैं, स्टेज पर बोली जाते हैं, जदों पैंदियां ने उदों लभदे भी नहीं हो। सो ऐहे जे लोकां तो बचो, शांति रखो जिन्नी रख हुंदी है, ते बाकी वाहिगुरू कृपा करे। सिख कौम ना तां हारी है, ना सिख कौम कदे हारेगी। अबदाली वर्गियां दे मूँह मोड़ते वह कौम आ, ये बाबे नानक तो जिस जालम ने चक्कियां पिहाइयां माफ़ी मंगनी पई, तारू सिंह दा खोपर लाहिया जालम हुकूमत ने, तां छत्तर नाल कुट के अगे ला के लैके गए जकरिया खान नूं, माफ़ियां मंगनियां पईआं। सो मोदी जे इंदिरा गांधी वाला अड़ियल रवैया नहीं छड्डूगा तो मोदी भी इंदिरा गांधी वाले राह जाऊ। संसार चलो चली दा मेला है, मोदी इंसाफ करे, ये गरीब किसानों नूं हक देवे। अन्नदाता जे नहीं रहा तो देश नहीं बचेगा। आ जिहड़े अखौती सो कॉल्ड अवानी अडानी ने, इन्हां बिना देश चल जू, पर आ गरीब किसानों बिना देश नहीं चल सकता। अड़ियल रवैया अपना छड्डण नूं तैयार नहीं, ईगो शब्द हुंदा, एक ईगो दे मूहरे आई हटा दिए तो पिछे गो रह जांदा।
ये क्योंकि कसूता फस गया जे तो हूँ बिल रद्द करता अवाडी अवानी तो अडानी वो इनू फैनस करते हैं जो चोणा लड़ता है फिर वो नाराज होंगे ने हूँ वो जान कड़की च फस गई है पर वो दो बंद पिछे सारे संसार के लोगों बददुआवा लै रहे हैं गरीब किसानां दी बददुआ बड़े बड़े राजां दे राज नाश करते बददुआ ने मोदी का राज भी नाश हो जूगा जे गरीब किसानां दीआं मंगां ना मनियां इहदा राज भाग रहना नहीं यह गोह हो जू कुंडली बॉर्डर से आप खड़े हैं हुण किसानां ने तो पक्की कुंडली मार ली बाबा जी इत्थे कि असीं तां कुंडली मार के बैठ गए पर केंद्र सरकार हजे भी चाह रही है भी किसी तरह पटारी च पा लीए पर यह भी हुण कह रहे हैं कि असीं तां उड्डणे सापां हुण नहीं पटारी च पैण वाले कारण यह है खालसे नूं भी गुरु गोबिंद सिंह ने जाफरनामे च कुंडलिया सप कहा है ते बार्डर भी कुंडली है सो खालसा कुंडली बार्डर ते डट गया है ये बेनती है भी हुण इदू बाद एडी लहर नहीं बननी सो किसान आगू सारी संगत दी राय नाल फैसला करन कोई आप हुदरा फैसला ना कर लैन कि जिहड़ा फिर बाद च भुगतना पवे बाद च पछताउणा पवे भी दिल्ली पहुँच भी गए नाके भी तोड़ ले गल फिर नहीं बनी फिर कोई फायदा नहीं सो सारयां दे हितां नूं मुख रखदिआं फैसला कीता जावे साडी तां इह बेनती है जी सरकारां दी मनशा हुंदी है कि संघर्ष लंबा चले तार पीडो कीता जावे हुण भी पहला दो दिन पहला इत्थे कुछ शरारती अंसर बड़े सी इत्थे संघर्ष दे विच कल भी दो होर शरारती अंसर फड़े गए ने सरकारां लगातार कोशिशां कर रहीआं हथ कंडे अपना रहीआं ने किसी ना किसी संघर्ष नूं जो कमजोर किया जाए तार पीडो किया जाए तां जो असीं अपनी जिहड़ी जंग उह जित सकीए ये शुरू तो ही आ जदों दी सृष्टि साजी आ राजनीतिक लोग किसी दे मित नहीं होया करदे राजे किसी के मित नहीं होंगे गाँव वेले गधे नूं बाप कहिंदे आ ते गाँव पूरी होण ते अपने बाप नूं भी गधा कहण तो संकोच नहीं करते जिहड़े साडे वड्डे संत सी ना बाबा करतार सिंह भिंडरांवाले उह कहिंदे हुंदे बचन सो इह राजनीतिक किसी के मित नहीं इह अजे बहुत शरारतां करनगे बेनती है किसी भड़काहट विच ना आ जिओ कंट्रीवर्सी च नुकसान वध हो जांदा है स्टेज तो भी बोलण वाले देख के बोलण हुण कई गर्म बोल के गर्म नारे ला के आप तां गड्डी च बह के चले जांदे आ बाद विच भुगतना इन्हां गरीबां नूं पैंदा है फायदा की फोकियां फड़ा नहीं मारनियां चाहीदियां जिन्नी कु बंदे दी औकात है उहदे अकॉर्डिंगली गल करो सो इस करके वाहिगुरू कृपा करे गुरु महाराज का वचन है कृपा काल केरी भई जीत मेरी दसम ग्रंथ में वचन आउंदा है जदों भी गुरु गोबिंद सिंह जंग जितते हुंदे उह कहिंदे हुंदे भी अकाल पुरख तेरी कृपा नाल मैं जित गया सो इस करके खालसे की जित होगी बहुत धन्यवाद हाँ जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की सो बिल्कुल यही गल कही जा रही है कि हुण जित दे बिल्कुल नज़दीक हाँ तो खालसे की जित होगी पहला भी दिल्ली जो 18 बार जित चुके हैं हुण 19वीं बार दिल्ली जितने की बारी आ उधर केंद्र सरकार भी अपना अड़ियल रवैया नहीं छड़ रही तो इधर किसान भी लगातार संघर्ष से बैठे ने देखना होगा कि आखिर कदों तक यह दिल्ली का किला फतेह होगा देखते रहो D5 चैनल पंजाबी बने रहो D5 के नाल D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो बैल आइकन पे क्लिक करो